इंदौर नगर पालिका निगम के 29 ग्रामीण क्षेत्रों में शराब दुकानों को खोलने के आदेश 29 मई 2020 को कलेक्टर द्वारा जारी हुए थे। उक्त आदेश के खिलाफ जनहित याचिका हाईकोर्ट में इंदौर निवासी पवन अग्रवाल द्वारा की गई। इस संबंध में हमारे संवाददाता राकेश सच्चर को बातचीत में बताया कि याचिका में निवेदन किया गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पष्ट गाइडलाइन दी है कि शराब के सेवन से इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है और कोरोना वायरस से कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम के मरीजों की मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती है। वहीं याचिका में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी सवाल किए गए हैं और कहा गया है कि शराब दुकानों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे जिसमें डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने की संभावना होगी। इंदौर से राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। के जो जिलों में जो शराब दुकान खोलने की गई याचिका दायर की गई है, ये किस प्रकार की याचिका दायर की गई थी? जी, ये याचिका कलेक्टर माननीय कलेक्टर महोदय का एक आदेश था जिसमें उन्होंने इंदौर के नगर निगम सीमा क्षेत्र में जितने 29 गांव हैं उन 29 गांवों में शराब की दुकानों खोलने के लिए आदेश पारित किया था। तो इन दुकानों को खोलने से, शराब की दुकानें हैं ये जो एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आता है, और इन दुकानों को खोलने के उपरांत जो भीड़ इकट्ठी होगी वहाँ पर उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उनका पालन नहीं होगा तो कोरोना के संक्रमण के फैलने का आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि हम लोगों ने देखा भी है पीतमपुर के क्षेत्र में, धार के क्षेत्र में, यहाँ तक कि दिल्ली के क्षेत्र में भी हमने देखा है कि वह जहाँ शराब की दुकानें खुली हैं वहाँ पर भीड़ अनियंत्रित हो गई थी और कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का कोई पालन नहीं हुआ था और तीनों ही क्षेत्रों के अंदर हम कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई। वही चीज़ हम इंदौर में न होने दें, इसीलिए इन दुकानों को रोकने के लिए मैंने याचिका दायर की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।